When Asus reached out to me, I was completely shell-shocked. कि यार ये कैसे हो गया? सभी नामुमकिन मुमकिन हुआ, मगर TechFace X Asus कैसे हुआ? How is that even possible? I don't know, but it happened. And ये जो तुम सामान देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा सामान मुझे Asus से आया हुआ है. Box number one, जिसकी unboxing हमने करी थी पिछले वाले वीडियो के अंदर, उसके अंदर I unboxed all of this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and I don't have words for this particular thing. लेकिन कहानी शुरू होती है एक और बॉक्स से. बॉक्स नंबर टू उसके बाद आया और बॉक्स नंबर टू के अंदर से मालूम क्या निकला, दिखाता हूं रुको. ये बॉक्स नंबर टू है एंड इसके अंदर से निकला This thing came into the box number 2 and I just cannot believe it कि ये इतना भयानक कैबिनेट की मतलब क्या बताऊं तुम्हें. इसके फ्रंट में 3 RGB फैंस हैं. ऑल्सो फ्रंट में इसको मिलता है एक मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर. भाई निकल जा. ये 3 RGB फैंस विच आर 120mm के. एग्जॉस्ट में इसमें दिया हुआ है 140mm का सिंगल फैन. वो RGB नहीं है लेकिन ये तीनों RGB हैं. फ्रंट में 360 रेडिएटर लगाने की जगह दी गई है. टॉप पर भी 360mm का रेडिएटर लगाने की जगह दी गई है. एंड टॉप पर भी इसके अंदर यू फाइंड अ मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर. ऑल्सो इसके अंदर हुक्स भी दी गए हैं टॉप पे, जस्ट इन केस अगर तुम्हें इसको उठा के कहीं भी लेके जाना हो तो इसमें हुक्स हैं. टफ गेमिंग वाला हुक है इसके अंदर. इसके फ्रंट में यू डू गेट USB 3.0 plus अ हेडफोन जैक प्लस अ माइक्रोफोन जैक एंड ऑल्सो अ पावर बटन ओवर हियर. अब जबकि ये कैबिनेट आ ही चुका है, देन व्हाट द हेल आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स जस्ट बिगिन द वीडियो गाइस एंड शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर सिस्टम को बिल्ड करना. सो लेट्स जस्ट बिल्ड दिस सिस्टम एंड मैं काफी ज्यादा खुश हूँ इस कैबिनेट से, बिकॉज इस कैबिनेट के अंदर रियर में 1.5 inch की जगह दी गई है जस्ट टू राउट द केबल्स. मतलब कि इस कैबिनेट के अंदर जो केबल मैनेजमेंट होगी वो एकदम पीक लेवल की होगी फॉर श्योर. देयर इज नो डाउट अबाउट दैट थिंग. तो चलो बिगिन करते हैं वीडियो को अभी हाल. लेट्स जस्ट बिल्ड दिस कंप्यूटर सिस्टम राइट अवे. करते हैं अभी हाल, करते हैं फटाफट से, करते मजा आएगा. हो चुका है फुल ऑन बिल्ड. यह है Asus का प्रॉपर टफ पीसी बिल्ड. बट द क्वेश्चन इज हियर कि क्या ये पीसी अच्छा है या नहीं है. वेल टू आंसर दैट क्वेश्चन वी विल हैव टू कवर अ फ्यू पॉइंट्स. ठीक है तो वो भी कर लेते हैं. तो पॉइंट नंबर 1 होगा कि ये जो कैबिनेट है ना, इट्स अ फुल साइज ATX कैबिनेट. ऑल्दो जो कंप्यूटर के अंदर पार्ट्स लगाए गए हैं ये असल में एक M80X वाले कैबिनेट के कंप्यूटर पार्ट्स हैं, जो कि आसानी से किसी छोटे कैबिनेट के अंदर लगाए जा सकते हैं फॉर श्योर. इस बड़े कैबिनेट के अंदर जब इन छोटे कंप्यूटर के पार्ट्स को लगाया जाता है तो इट लुक्स लाइक कि कंप्यूटर जो है वो थोड़ा सा एम्प्टी है. ऑल्दो उस चीज को अपन इग्नोर करेंगे बिकॉज रियोक ने वो पूरी की पूरी प्रॉब्लम को अकेले सॉल्व कर लिया है, इसलिए कोई इशू नहीं है. थैंक यू सर. तो वो अपना हो चुका है. ऐसे ही मैंने इनको भी लगा दिया है तो लग रहा है कि सिस्टम जो है भरा भरा सा है. ऑल्दो इफ आई रिमूव ऑल दीज 3 things दिस विल श्योरली स्टार्ट टू लुक लाइक कि कुछ ना कुछ तो इसमें कमी है. तो ये एक पॉइंट है. पॉइंट नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई फील लाइक कि यार ये डिस्कस नहीं करेंगे ना
तो फिर मैंने अपनी साइड से कुछ ना कुछ कमी करी है। पॉइंट नंबर टू इज कि यार जब अपने पास में कैबिनेट के अंदर फैंस में RGB है, सॉरी ड्राइव के अंदर RGB है, रैम के अंदर RGB है, देन वाई देर इज नो RGB इन द प्रोसेसर का कूलर। नाउ आई अंडरस्टैंड कि प्रोसेसर में RGB लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसे तो फिर फैंस के अंदर भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे तो फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव के अंदर भी RGB लगाने की ज़रूरत नहीं है ना। तो ये एक पॉइंट है। अब है पॉइंट नंबर थ्री की बारी। यहाँ पर आई फील लाइक कि देखो जो है अपना मदरबोर्ड यानी कि B365 चिपसेट वाला मदरबोर्ड जो है अपना, दिस ओनली सपोर्ट्स रैम अप टू 2666 मेगाहर्ट्ज़ की स्पीड पर। मतलब कि अगर आप रैम लगाते हो इसके अंदर 4000 मेगाहर्ट्ज़ की, ओके, अगर अपन इतनी महंगी रैम लगा लेंगे इसके अंदर, तब भी ये जो मदरबोर्ड है ये उस रैम को कर देगा अंडर क्लॉक एंड दैट रैम विल स्टार्ट एक्टिंग लाइक वो एक 2666 की मेगाहर्ट्ज़ की रैम है। तो इवन इफ यू इंस्टॉल अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वाली रैम इन दिस थिंग, इट विल स्टिल अंडर क्लॉक इट एंड मेक इट अ 2666 की मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी वाली रैम। एंड दैट्स द रीजन व्हाई एक 3200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम को लगाना इज पॉइंटलेस। लेकिन कंसिडरिंग अ फैक्ट कि ये एक सिर्फ शोकेस पीसी है, कोई भी इंसान इसको इसी तरह से बिल्ड नहीं करेगा, एंड दैट्स व्हाई आई फील लाइक कि यार जो भी लगाए ना इसके अंदर सब बढ़िया है। बट अंदर से OCD ऐसा मुझे फील होता है कि यार ये जो है ना CPU कूलर ये यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे RGB कूलर आएगा फॉर श्योर। तो मैं इसको वो करने के लिए बिहार जा रहा हूँ। लेट्स नाउ हैव अ लुक एट सम ऑफ द Cinebench के स्कोर्स एंड अपन करते हैं इस वाले वीडियो का बिहार से रैप अप। ऑनेस्ट बात यह है कि आई एम रियली इन लव विद दिस कैबिनेट। इसके अंदर काफी ज्यादा प्रैक्टिकल चीजें दी गई हैं, लाइक इसके अंदर वोवन हैंडल्स दिए गए हैं टॉप पे, इसके अंदर वर्टिकल ग्राफिक कार्ड लगाने के लिए जगह दी गई है, इसके अंदर पीछे की तरफ 1.5 इंच की जगह दी गई है टू यू नो राउट योर केबल्स। दीज स्मॉल थिंग्स मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन अ कैबिनेट एंड आई विल हैप्पीली सजेस्ट दिस कैबिनेट टू एनीवन आउट देयर। सो इन केस यू वांट टू बिल्ड दिस कैबिनेट के अंदर पीसी, आई विल जस्ट लिंक इट डाउन। ओके, अब एक काम करते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट सम स्पेक्स ऑफ दिस थिंग। इसके अंदर है इंटेल का 9400F, दैट्स एन i5। इसके अंदर है GTX 1660, काफी बढ़िया ग्राफिक कार्ड। इसके अंदर है 250GB की सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसके अंदर है 3 RGB फैंस इंटेक के लिए, इसके अंदर है 16GB की रैम, इसके अंदर है एक B365 टफ गेमिंग मदरबोर्ड एंड एवरीथिंग इज पावर्ड बाय अ 750W का Corsair का RM750X पावर सप्लाई यूनिट। वो एक ओवर के लिए इस कंप्यूटर के लिए, लेकिन अब जो है सो है। ओके, दैट्स अबाउट इट। ऑलराइट देन, तो Cinebench के स्कोर से तुम्हारी स्क्रीन के सामने, यहाँ पर यू गेट के Cinebench R15 के अंदर इसको मिलता है 970 का स्कोर, जो कि एक बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेबल स्कोर है। वहीं पर इनसाइड द Cinebench R20 दिस थिंग गेट्स अराउंड 2250 का स्कोर, विच इज अगेन अ वेरी गुड स्कोर। अब यहाँ पर बात करते हैं अबाउट द मेन कंक्लूजन। पहला, व्हाट डू आई फील अबाउट द कंप्यूटर सिस्टम, एंड दूसरा, ऐसा मतलब अपना खुद का क्या वर्डिक्ट है फॉर दिस पीसी। पहला, इट्स अ शो पीसी, कोई इतने भयानक कैबिनेट के अंदर ये कंप्यूटर पार्ट नहीं लगाने वाला। दूसरा, अगर कोई ये कंप्यूटर बिल्ड करता भी है तो फिर वो CPU कूलर को भी RGB लगाएगा, दूसरी बात। तीसरा, जो इंसान इस कंप्यूटर को बिल्ड कर रहा है उसके लिए, उस इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से परचेसिंग अ B365 चिपसेट, जो कि ये वाला चिपसेट है, इसको परचेस करना एक बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज है। बिकॉज इन रियलिटी आज की डेट के अंदर ऐसे मदरबोर्ड्स अवेलेबल हैं जिनका चिपसेट है B360 का एंड उनके अंदर जो बायोस है वो ऑलरेडी अपडेटेड है। तो जरूरी नहीं है कि आप B365 का इस्तेमाल करें, आप B360 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एंड उसके अंदर भी आपको बायोस जो है वो अपडेटेड मिल जाएगा, जिस वजह से आप 9th जनरेशन के CPUs को इस्तेमाल कर पाएंगे डायरेक्टली विदाउट अपडेटिंग एनी बायोस व्हाटसोएवर। तो ये कुछ 3 पॉइंट्स थे। बाकी आई वुड रियली बी हैप्पी टू से कि यार आई एम ऑब्लाइज्ड कि भैया ASUS रीच्ड आउट टू अस एंड दे वर kind enough to send us these parts and I was able to do this build. Very happy with this thing. And agar aap video dekh rahe ho, koi bhi agar video dekh raha hai, to guys please like, share or subscribe please kar hi do. And ab milte hain in the next one. Till then take care and peace out. And the reason why I was not able to produce more videos is because mere ghar ke just bagal mein jhanki lagi hui hai and subah sham aur din aur raat sab time pe wahan par bhajan chalte rehte hain. Volume unki bahut zyada hai, jis wajah se agar main kuch bolta hu camera ke andar to wo भजन पहले आ जाते हैं, मेरी आवाज़ बाद में घुसती कैमरे के अंदर। तो दैट्स व्हाई आई वाज नॉट एबल टू डू दैट थिंग, लेकिन अभी इतनी वॉल्यूम नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स ऑल गुड, वी कैन डू इट फॉर श्योर। तो आपसे रेगुलर कंटेंट रोलिंग में आपसे आ जाएगा फॉर श्योर। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वन गाइस, टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट। दिल हिंदुस्तान, बस भाई टेक केयर। बताओ वो फोकस वहां कर रहा है, चेहरा मेरा यहां पर है, क्या हो रहा है यार।